एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, जमीनी हकीकत आज भी इसके विपरीत है। आज भी देश की महिलाओं की सुरक्षा सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर पाई है। महिला उत्पीड़न का एक ऐसा ही मामला सांबा जिला में प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि सांबा के औद्योगिक विस्तार केंद्र के फेज दो में स्थित कोरवेल लिमिटेड में काम करने वाली जम्मू की निवासी महिला पूजा कलसीवी फैक्ट्री में सहयोगियों द्वारा जोन उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही हैं। पूजा ने कहा कि उसके साथ फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न करने के मामले की शिकायत फैक्ट्री प्रबंधन से लेकर सहायक श्रम आयुक्त और पुलिस से करने के बावजूद न्याय के लिए दर बदर हो रही है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को हर तरफ से मामले को फैक्ट्री प्रबंधन के साथ सुलझाने का दबाव बनाया जा रहा है। पूजा ने बताया कि पुलिस से लिखित शिकायत के बाद एक महीने बाद FIR तो दर्ज की गई, पर आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और एक महीना पहले पिछले 12 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी और SP ऑफिस से वो मार्क हुई SHO सांबा को, और सांबा SHO सांबा ने उसको मार्क किया चौकी अफसर राखम मताली को। बट वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपकी FIR हो गई है, आप जा सकते हैं, हम देख लेते हैं बाकी। पिछले एक महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई FIR हुई थी। वो सरेआम घूमते थे। तीन चार दिन पहले मैं यहाँ पे SHO के पास आई कि सर क्या हुआ, मेरे केस का क्या हुआ। तो उन्होंने उनको बुला के साथ में उन्हें पूरी तरह से ऑफिस में बुलाना, और वहाँ पे आए वो दो तीन लोगों के साथ, कोई सांबा के अपने पता नहीं कौन किन के अपने साथ लेके आए, और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला गया, फोर्स किया गया कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। बट जब मैंने फोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लास्ट में मुझे बोला गया कि तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो, और यही कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा हमारा कि तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो और बोल दो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने बोला कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे FIR करनी है। और फिर 13 को मैं फिर से SHO ऑफिस आई और मेरी FIR अभी 14 को रजिस्टर हुई है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। कोई भी अगर कुछ भी बात होती है तो मैं खुद जाके पूछती हूँ कि हाँ क्या है, क्या नहीं हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ। वो लोग सरेआम घूम रहे हैं, इवन कि वो ऑफिस में आके उन्होंने 8-9 लोगों के सामने मुझे हरास किया और बोला कि हम इसको कंपनी में अगर वापस ले भी लेते हैं तो क्या भरोसा कल को ये लड़की कपड़े फाड़ के यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं खाली यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको देखा जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।